हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर के पास ही पंडाल बना था और म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी जिससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ डोंट माइंड। आज का जो मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है वो है दिवाली स्पेशल मेकअप लुक, जो आप घर पर बहुत ईजी से स्टेप हैं फॉलो करके कर सकती हैं। और जैसे कि दिवाली के दिन लेडीज़ लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है अपने लिए, क्योंकि दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा घर में काम रहते हैं, तो इस तरह से आप भी मेकअप लुक क्रिएट करके अपनी दिवाली को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा मेकअप का वीडियो पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए मेकअप ट्यूटोरियल चैनल ज़रूर क्रिएट करूँगी। और मेरे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और 1K सब्सक्राइबर होने में मेरी मदद कीजिए, तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने अपनी CTM रूटीन फॉलो कर रही है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर आपने इसलिए यूज़ करना है, इससे आपके ओपन पोर्स मिनिमाइज़ हो जाते हैं और ये फाउंडेशन को भी बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होने देता है, चेहरा आपका बहुत ही फ्लॉलेस लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओलिविया की स्टिक वाली फाउंडेशन, और इसके साथ मैं एक और स्टिक वाली फाउंडेशन यूज़ करूँगी। ये दोनों जो होती हैं बहुत ही हाई कवरेज देती हैं। इसके बाद आपको सेकेंड कोट फाउंडेशन लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से मैंने दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके लगा लिया है। उसके बाद मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी। आपने भी इसी तरह से करना है। जितने अच्छे से आप अपने फेस पे फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, आपका मेकअप लुक भी उतना ही ज़्यादा फ्लॉरेस लगेगा। जब आपका फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाए तो उसके बाद आपने नेक्स्ट जो करना है वो है आपने आईज़ के नीचे कंसीलर लगाना है। इससे आपके अगर अंडर आई के नीचे डार्क सर्कल होंगे तो वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके आईज़ के नीचे लगा लेना है, इससे कंसीलर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब मैं अपने आईज़ लुक क्रिएट करूँगी। ये वाला शेड तीनों से मैं अपनी आईज़ लुक को क्रिएट करूँगी। तीनों से अच्छे से आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंगली आपने कोई भी आई शेडो लगा लेनी है, और इस तरह से बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर अप्लाई कर ले रही हूँ, उसके बाद मस्करा अप्लाई कर ले रही हूँ आईज़ पे लैशेस पे। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी आईब्रो पेंसिल। एकदम नेचुरल सा लुक देगी हमारी आईब्रो पेंसिल। उसके बाद फुली ब्रश से मैं इसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। आपने भी इस तरह से कर लेनी है, बहुत ही अच्छी लगती हैं आईब्रो, एकदम नेचुरल लगती हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो पाउडर मैंने लगाया था उसे रिमूव कर दूंगी और थोड़ा सा लूज़ पाउडर लेके अपने फेस पे डैप डैप करके इसे ब्लेंड कर दूंगी। इससे आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरेस खूबसूरत लगेगा। अगर आप अपनी आईज़ को बड़ा करना चाहती हैं तो इस तरह से वाइट पेंसिल लगा लें, उसके बाद काजल लगा लें, इससे आपकी आई लुक काफ़ी बड़ी बड़ी। अब मैं ब्लश अप्लाई करके इसे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और अब देखिए कितने अच्छे नेचुरल लुक आई है। उसके बाद हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा सा आपने लगा लेना है इस तरह से, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। नोज़ के ऊपर भी हाइलाइटर ज़रूर लगा ले। उसके बाद मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को डिफाइन कर लूँगी, और जो भी लिप लिपस्टिक आपने अपने ड्रेस पहना है उसी के अकॉर्डिंगली आप इस तरह से लगा लें। ये मेरी मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छा इसका कलर है, मुझे शेड इसकी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकती है कितनी अच्छी शेड है इसकी। और ये है गाइज मेरा फाइनल लुक। आपको किस तरह से लगा मेरा फाइनल लुक मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड लव यू फ्रेंड।